सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं महान पुण्यों को देने वाली अजा एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और इसका शुभ मुहूर्त आज आपको हम बताएंगे। तो जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है और अश्वमेघ यज्ञ को करने से जो फल प्राप्त होता है वही इस एकादशी की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से हो जाता है। और जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं वे सभी पाप कर्म इस एकादशी को करने से नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो अजा एकादशी का व्रत इस वर्ष में रहेगा, दिनांक 15 अगस्त 2020 शनिवार के दिन रहेगा। तो मान्यता ऐसी है कि इस व्रत को करने वाले को अश्वमेघ यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है, इसलिए सनातन धर्म में एकादशी का उपवास सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो कहते हैं कि एकादशी में श्री हरि की सच्चे मन से भक्ति भाव से पूजा करने वालों पर वे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और मनोकामना भी शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा बताया है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से उत्तम पुण्यों की प्राप्ति होती है। मान्यता ऐसी है कि इस व्रत के करने से समस्त पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा, दिनांक 14 अगस्त 2020 को दोपहर 2:01 पर एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और दिनांक 15 अगस्त 2020 को रात्रि 2:20 तक एकादशी की तिथि रहेगी। तो इसकी विधि इस प्रकार से रहेगी, अजा एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है। इस दिन किसी भी तरह के अनाज का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। निर्जला या एक समय फलाहार करके ही अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो मान्यता ऐसी है कि व्रत रखने वाले को एकादशी की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में श्री हरि के नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, भजन आदि करना चाहिए। अजा एकादशी का व्रत रखने वाले को प्रातःकाल उठकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों को संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार फलाहार आदि लिए जा सकते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। त्रिस्पर्शा पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि दशमी तिथि को दिन में या रात में एकादशी हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत उत्तम माना गया है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को सुनाया था। तो यदि पूर्णिमा 8 दंड की रहे तो दिन रात अविकल रूप से रहे, दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश इसके चले जाते हैं तो यह पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यों को देने वाला हो जाता है। तो जो भी भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म्य सुनते या पढ़ते हैं वे उस पुण्य के भागी हो जाते हैं। पक्षवर्धिनी एकादशी के समान त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी द्वादशी तिथि भी हो और रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी तिथि आ जाती है तो एकादशी यह त्रिस्पर्शा कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो भी संभव हो आप कर सकते हैं। पहला है निर्जल व्रत होता है, दूसरा उपवास व्रत होता है और तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ ग्रहण करके व्रत करना, चौथा नक्त व्रत कहलाता है, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार करना और पांचवा एक भुक्त व्रत यानी किसी भी एक समय फलाहार लेना। अशक्त तो हो, वृद्ध हो, रोगी हो, बालक हो तो जो व्रत नहीं कर सके यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन कर ही देना चाहिए। वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास और आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज़्यादा रहती है, अतः इसी मनोवृत्ति को सीमित रखते हुए सत्कर्म में ईश्वर की आराधना में
नियमित संलग्न रहना भी व्रत का सबसे उत्तम ध्येय हो जाता है। अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से भगवान को ही साक्षी मान करके अच्छे कर्म हमको करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य को पूरा करने में यह अंतर्निहित है। इसी से आपको समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और इष्ट देवता की यानी भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो व्रत का विधान इस प्रकार से है। शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं कर पाते हैं उनको व्रत का आधा फल मिलता है। और जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार ग्रहण करते हैं, रात्रि जागरण नहीं करते हैं उनको मात्र एक चौथाई इस व्रत का फल मिलता है। जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप बताया है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीप दान करना चाहिए। यह सब कर्म आपको क्रोध लोभ मोह का त्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए। अहंकार की भावना आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए यानी ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, अन्यथा इस व्रत का फल नहीं मिलता है। और मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि दे करके प्रणाम करके उनसे त्रुटियों से क्षमा याचना करना चाहिए। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है ठीक उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का विधान होता है। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस कथा को श्रद्धापूर्वक इस दिन श्रवण करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है और इस व्रत का भी संपूर्ण फल मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, सभी पापों का नाश करने वाली इस अजा एकादशी का नाम अजा क्यों हुआ है? इसके पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति कैसे मिल जाती है और मनोवांछित फल मिल जाता है? जो श्रद्धालु अजा एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का श्रद्धापूर्वक पूजन करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो हे पांडव श्रेष्ठ, अब मैं अजा एकादशी की परम पुनीत कथा को सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन श्रेष्ठ, प्राचीन काल में सतयुग में सूर्य वंश के 31वीं पीढ़ी के अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र राजा राज्य करते थे। उनकी सत्य वचन के प्रति अटूट आस्था थी और वे सोते जागते सदैव सत्य व्रत का ही पालन किया करते थे। इसीलिए वे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते थे। हरिश्चंद्र जो है अत्यंत धीर वीर सत्यवादी होने के साथ साथ महाप्रतापी राजा थे। उनके राजमहल के द्वार पर एक श्याम पट्ट लगा हुआ था जिस पर मणियों से यह लेख लिखा हुआ था कि इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए एक दिन ऋषि विश्वामित्र जी ने वह लेख पढ़ करके कहा कि मणियों का यह लेख झूठा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि परीक्षा करके आप देख लीजिए। ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, यह अपना सारा राज्य मुझे दान में दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, यह राजपाट, प्रजा सभा सब कुछ आज से आपको दान में दे दिए गए हैं, अब आपको और क्या चाहिए? इस पर ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, मेरी दक्षिणा तो और भी अब आपको देना है। हे राजन, राहु केतु तथा शनि देवता की पीड़ा भोगनी सहज है। जीवन में 7.5 कष्ट भोगना भी सरल है परंतु मेरी परीक्षा में पास होना अत्यंत कठिन है। ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा कि हे राजन, आपको चांडाल के यहाँ मुर्दे जलाने पड़ेंगे। यदि आपको इन अत्याचारों का भय नहीं है तो यह सब मुझे दान में देकर मेरे साथ काशी नगरी में चलो। तो राजा ने धर्म का सत्कार करके अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र जी को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में उसने भेज दिया। राजा शमशान में चांडाल का दास बन करके अपने लिखे सत्य वचन का पालन करता रहा। वह मृतकों के वस्त्र इकट्ठे करता था, श्मशान की चौकीदारी करता था, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित कभी नहीं हुआ था। इतने कष्टदायक काम में भी उसने सत्य वचन को नहीं छोड़ा था।
तो इस प्रकार से चांडाल की दासता करते हुए उसके कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार राजा हरिश्चंद्र गहरी चिंता में डूबे हुए अपने मन में इस कर्म से दुखी होकर के इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। तभी महर्षि गौतम जी उस क्षेत्र से निकल रहे थे। राजा ने उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके अत्यंत दुख भरी संपूर्ण अपनी कथा सुनाई, अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि गौतम राजा की चिंताजनक कहानी सुनकर के स्वयं भी दुखी हो गए, दयालु हो गए। ऋषि गौतम जी कहते हैं कि हे राजन, कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है। यह अत्यंत कठोर से कठोर पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। तुम अजा एकादशी का विधिपूर्वक श्रद्धापूर्वक व्रत करो। इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। इतना कह करके गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि के आदेश से राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का विधिपूर्वक श्रद्धापूर्वक व्रत किया, जागरण भी किया। इसी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए रचा षड्यंत्र समाप्त हो गया था। राजा का मृत पुत्र जो था वह जीवित हो गया था। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हो गई। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी और पुत्र सहित स्वयं को भी वस्त्र तथा आभूषणों से सजा हुआ देखा था। तो पुण्यदायिनी अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें पुनः अपना राज्य प्राप्त हो गया था। वह अपने परिवार सहित सुखपूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्ग धाम को प्रस्थान कर गए थे। हे राजन, इस प्रकार अजा एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र षड्यंत्र से मुक्त हो गए थे, पापों से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो यह कथा जो है ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णित की गई है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस ज्ञानवर्धक जानकारी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।